तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इट्स का प्रोडक्शन। एंड आज की इस वीडियो पर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप काइन मास्टर में इंस्टाग्राम रील्स वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। मींस काइन मास्टर में हम कैसे रील्स को एडिट कर सकते हैं बहुत ही प्रोफेशनली। एंड ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर से देखना। एंड अब इस वीडियो को हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। पहले आपको अपने काइन मास्टर को जस्ट ओपन करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको जनरली 9:16 को सिलेक्ट किया जाता है, सो इसे आप कर लेना है। एंड क्रिएट पे क्लिक कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद जस्ट आपको यहाँ पे अपना वीडियो को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप अपना फोल्डर को देख लेना, जिस भी फोल्डर में वीडियो होगा जस्ट उसे सिलेक्ट करना। एंड अपने वीडियो पे आपको क्लिक करना, आपका वीडियो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको कट वाले बटन पे क्लिक कर देना, आपका ये कट हो जाएगा। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो आपका ये जो वीडियो है वो नॉर्मली जस्ट यहाँ पे है, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या करना है, आपको जस्ट इस पे क्लिक करना है एंड मिक्सर पे आना है। एंड इसका वॉल्यूम को कम्प्लीटली खत्म कर देना, मीन्स म्यूट कर देना, ठीक है। अब ये काम हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यार देखो यहाँ पे हम सबसे पहले स्लो मोशन करने वाले, ठीक है। तो स्लो मोशन अगर हम करेंगे तो ऑडियो भी स्लो मोशन हो जाएगा और बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे मैंने उसको ऑडियो को ही खत्म कर दिया, लास्ट में हम ऑडियो को भी ऐड कर लेंगे, ओके। नाउ यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले स्लो मोशन इसमें क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो स्लो मोशन क्रिएट करने के लिए मैं जस्ट इस वाले पार्ट से जाता हूँ कि इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में सारे के सारे स्लो मोशन हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एंड देन उसके बाद ट्रिम पे हमें क्लिक करना है एंड स्प्लिट पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्लो मोशन क्रिएट करने वाले। सो स्लो मोशन क्रिएट करने के लिए इस पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा, स्पीड पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ से आप यहाँ पे 0.4 या 0.5 इतना रखने से काफी अच्छा स्लो मोशन हो जाता है, ठीक है। आप 0.32 भी रख सकते हो, बट उसमें क्या होता है मीन्स उतना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख लो, मैं करके दिखा देता हूँ, 0.2 भी करके दिखा दूंगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मीन्स 0.4 एंड 0.5 तक जो होता है वो स्मूथली होता है, ठीक है। अगर आप इससे मीन्स कम करते हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं 0.2 करता हूँ या 3 करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख पाओगे यार ये बिल्कुल मीन्स अटक अटक होता है, मीन्स लगता है जैसे कि कैरेक्टर हमारा अटक गया, ठीक है। तो इसलिए मैं इसे नहीं रख रहा हूँ एंड यहाँ पे स्पीड पे आके 0.4 या फिर 0.5 में रख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि आपके जो स्लो मोशन है वो मीन्स परफेक्टली हो चुका है, स्मूथ हो रहा है, ठीक है ना। अगर ये हमारा स्लो मोशन हो रहा है, देन यार अगर स्लो मोशन से पहले एक शेक इफेक्ट ऐड हो जाए देन मजा आ जाए, ठीक है। तो शेक इफेक्ट ऐड करने के लिए जस्ट हम इसे ट्रांजिशन वाले बटन पे क्लिक करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा मीन्स स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे आपको एक ये एस एस स्टोर का बटन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ट्रांजिशन पे आपको मीन्स सर्च वाले बटन पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आप शेक इट ट्रांजिशन को जस्ट सर्च करना एंड इसे डाउनलोड कर लेना है, ओके। तो आपको यहाँ पे जस्ट सेक इट लिख देना है, यहाँ पे आपको सेक इट ऑप्शन मीन्स इफेक्ट आ जाएगा। देन उसके बाद इस पर डाउनलोड पे क्लिक कर देना, आपका ये डाउनलोड हो जाएगा, ओके ना। उसके बाद जस्ट यहाँ पे आपको बैक करना है, डबल बैक करना होगा शायद से, हाँ डबल बैक करना है। एंड देन आपको यहाँ पे ये सारे जो ट्रांजिशंस दिख रहे हैं इनके बीच में आपको सेक इट भी देखने को मिल जाएगा, सो इस पर आपको क्लिक करना है एंड 0.04 को यूज कर लेना है। एंड इसका जो ड्यूरेशन है ना उसे आपको 0.5 रखना है, ठीक है। इतना रखने पर यह सेक इफेक्ट का जैसा लगेगा एंड काफी सही होगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे ये सेक इफेक्ट है। तो अगर आपका मन शेक इफेक्ट से ना भर रहे तो देन आप यहाँ पे थोड़ा सा आगे आ सकते हो एंड स्प्लिट पे क्लिक करके आप इसे स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना है, आपको ये ट्रांजिशन वाले बटन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप ट्रांजिशंस भी ऐड कर सकते हो, जिससे कि आपका वीडियो और अच्छा हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पे मैं आपको 2-3 इफेक्ट बताता हूँ जो कि रियली काफी अमेजिंग वाले, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आता है हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में आपको जो ये 0.3 एंड 0.4 देखने को मिलता है वो काफी अमेजिंग है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसे 0.5 में सेट करता हूँ एंड इसे डन करता हूँ। देन यहाँ पे आप देख पाओगे कितना अमेजिंग वाले मीन्स हमारे ट्रांजिशन ऐड हो जाते हैं, ओके ना। इसी तरीके से आपके सामने और भी यहाँ पे मिलेगा, जैसे कि 0.4 वो भी काफी अच्छा है, बट अगर आप चाहते हो कि यार ये ट्रांजिशन भी हो एंड साथ में हमारा फ्लैश इफेक्ट भी है तो उसे ऐड करने के लिए जस्ट आप मैग्नेटिक जूम को कर लेना, स्टेप वही सेम एस एस स्टोर में जाना एंड देन वहां से सर्च करके आप कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद इसमें आपको 0.4 को सिलेक्ट करना है, तब यहाँ पे आपका इफेक्ट ऐड हो जाएगा, ओके ना। यहाँ पे ऐड हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा ये स्लो मोशन है, देन उसमें शेक इफेक्ट भी है, फ्लैश इफेक्ट भी है, काफी अमेजिंग लग रहा है इस तरीके से करके, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे स्लो मोशन किया, देन उसमें शेक इफेक्ट अप्लाई किया, शेक इफेक्ट अप्लाई करने के बाद यहाँ पे हमने ट्रांजिशन ऐड किया, ठीक है। ये सारे करके हमने अपने वीडियो को मीन्स काफी अट्रैक्टिव बना लिया, बट इसमें कलर ग्रेडिंग की कमी आ रही है, ठीक है। तो कलर ग्रेडिंग करने के लिए जस्ट सिंपली से क्या करना है, आपको अपने वीडियो पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट पे आना है। एडजस्टमेंट पे आने के बाद ब्राइटनेस को आप थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो, अप्रॉक्स 15-20 तक कर देना, काफी सही रहेगा, ठीक है। उसी तरीके से आप कॉन्ट्रास्ट को भी 15-20 कर देना, काफी सही रहेगा। एंड उसके बाद सेचुरेशन को आप 30-35 रख सकते हो, ठीक है। इतना में काफी सही हो, अपनी वीडियो के हिसाब से भी देख लेना, मीन्स मैं जो बता रहा हूँ
हर एक वीडियो पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब अपने वीडियो के हिसाब से देख लेना कि कितना में आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। देन उसी तरीके से आप एडजस्ट करना है, जैसे कि ये वाइब्रेंस जो है मेरा 35 से भी मैक्सिमम कर दे रहा हूँ, फिर भी जाके यहाँ पे मीन्स 40 पे सही लग रहा है, तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। अगर आपका मीन्स 15 में सही तरीके से हो जाए, देन आप उसी में रुक जाना, ठीक है। इस तरीके से करके आपको जस्ट इन सभी को इंक्रीज कर लेना, आपका यहाँ पे देख पाओगे कि ये जो नॉर्मल वीडियो है एंड आपका ये वाली वीडियो, उसमें काफ़ी डिफरेंस है एंड सही तरीके से हमारा ये कलर ग्रेडिंग हो चुका है, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक करना एंड अभी जो आपने एडजस्टमेंट किया, जस्ट उस एडजस्टमेंट को आप अप्लाई टू ऑल कर देना, जिससे हो गई कि इन सभी वीडियोज़ में भी ये एडजस्टमेंट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ना अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे और थोड़ा सा अट्रैक्टिव एडजस्टमेंट करना है, मीन्स कलर ग्रेडिंग करना है, देन आप यहाँ पे लेस पे क्लिक कर सकते हो, इफेक्ट पे क्लिक करना है, एसी से स्टोर में आना है, देन यहाँ पे आपको कलर वाले सेक्शन पे आना होगा एंड यहाँ पे आपको एक मिलने वाला है कलर चेंजर का ऑप्शन, मीन्स इफेक्ट, तो इस पर क्लिक करना एंड यहाँ से इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद जस्ट यहाँ पे आपको बैक करना है एंड देन आपको यहाँ पे कलर चेंजर को सिलेक्ट करना है, कलर चेंजर को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ से आपको इसे कर लेना है बैक, ठीक है। बैक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ट्रांजिशन इफेक्ट देखने को मिलेगा, इसे आप पूरे के पूरे वीडियो में अप्लाई कर देना कुछ इस तरीके से, देन इसका ड्यूरेशन को पूरे वीडियो को लास्ट तक कर देना और यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करना है। वीडियो के बैकग्राउंड में जो कलर हो जस्ट उस कलर को आप यहाँ से सिलेक्ट करना, जो कि मेरा ग्रीन है तो मैं ग्रीन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। देन यहाँ पे आपको HUE को थोड़ा सा चेंज कर देना एंड उसके बाद यहाँ पे आपको ऑफसेट को इंक्रीज करना है, ठीक है। ऑफसेट को इतना ही इंक्रीज करना है जितना में कि मीन्स आपका बॉडी पे ये इफेक्ट ना दिखा सके, तो मैं इसे थोड़ा सा मीन्स डिक्रीज करता हूँ ताकि ये हमारे बॉडी पे अप्लाई ना हो, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, देन उसके बाद यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हो अपने बैकग्राउंड का एंड इसे अट्रैक्टिव आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, कुछ इस तरीके का। देख सर जो कलर आपको मीन्स लगे कि हाँ ये कलर सही लग रहा है, देन आप इसे रख सकते हो, ठीक है, कलर से रख लेना एंड देन उसके बाद आप यहाँ पे सैचुरेशन को कम या फिर ज़्यादा भी कर सकते हो, जो अगर आपकी वीडियो पे सही लगता है आप वो कर लेना। ज़्यादातर वीडियोज़ में सैचुरेशन को बढ़ाने पे ही सही लगता है, ठीक है, तो आप वो कर सकते हो। देन यहाँ पे आप शैडो को भी आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, अगर डिक्रीज करोगे देन आपका कैरेक्टर हाईलाइट होगा, अगर आप इंक्रीज करोगे देन आपका बैकग्राउंड हाईलाइट होगा, तो आपको जो रिक्वायर्ड है आप वो कर लेना, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से आप डन कर सकते हो। तो इस तरीके से करके आप यहाँ पे देख पाओगे कि हमारा नॉर्मल वीडियो से कुछ इस तरीके का वीडियो कन्वर्ट हो चुका है, जिसमें कि हमारी स्लो मोशन हुआ एंड उसमें शेक इफेक्ट भी है, ट्रांजिशंस भी है एंड साथ ही में हमने यहाँ पे कलर ग्रेडिंग भी कर लिया है, ठीक है। सो ये सारे काम कर लेने के बाद जस्ट यहाँ पे हमारा एक काम बचा हुआ है और वो है म्यूजिक ऐड करना, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने म्यूजिक यहाँ से हटा दिया था, ठीक है। सो म्यूजिक ऐड करने के लिए आपको ऑडियो पे क्लिक करना होगा एंड देन यहाँ से आपको अपना फोल्डर या फिर यू बोल लो एल्बम को सिलेक्ट करना है, जिस भी फोल्डर में आपका म्यूजिक होगा जस्ट उस म्यूजिक पे आपको क्लिक करना है एंड देन उसके बाद यहाँ से आपको उसे इस वाले प्लस बटन पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आपका ये जो म्यूजिक होगा वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा ये जो म्यूजिक है वो ऐड हो चुका है ना। उसके बाद ये आपका जो वीडियो है वो कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है। देन यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे सेव एज अ वीडियो पे क्लिक करके आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से करके आप यहाँ पे इंस्टाग्राम में अपने रील्स को एडिट कर सकते हो, ठीक है। सो इस वीडियो में इतने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।